टॉरस, वेलकम टू ग्रो माई हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी फरवरी के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके टॉरस, आई थिंक ये वीक आपके लिए क्रूशियल है क्योंकि आपको कोई फैसला लेना है। और आई थिंक आप अपने रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं। आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन बार बार कमिटमेंट करता है एंड बार बार ब्रेकअप, बार बार पैचअप, बार बार प्रोमिसेस, एंड कभी भी वो प्रोमिसेस पूरे नहीं होते। ये एक साइकिल की तरह बन गया है। चीजें अच्छी चलती हैं, देन फिर कुछ होता है, देन ये अपने कमिटमेंट पूरा करने से पीछे हटते हैं, फिर आपका ब्रेकअप होता है, फिर ये वापस आते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन है टॉरस कि आपको इस रिलेशनशिप में से अपने आप को निकालना होगा। और इसके लिए आपको जितनी एनर्जी गैदर करनी है, जितनी ताकत चाहिए, वो आप शायद इकट्ठा कर रहे हैं इस वीक में, क्योंकि मुझे दिख रहा है थ्री ऑफ कप्स के साथ कि आप लोगों के साथ काफी खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, एंड अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से आप अपना फैसला ले रहे हैं और इस प्रोसेस को आप इतना सिंपल रखना चाहते हैं कि आपको इससे कोई खास असर ना पड़े, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा टॉरस, या आपको इस रिलेशनशिप में से निकलना पड़ेगा, ऐसा आप चाह रहे हैं। क्योंकि टू ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग और आपके दिल के बीच में एक तरीके की लड़ाई चल रही है कि आपको यहां रहना है या नहीं। आपका हार्ट कह रहा है कि आपको इसमें रहना चाहिए, आपका दिमाग आपसे बार बार कह रहा है कि रह के क्या होगा। आपने इनको कई मौके देख लिए एंड इनका बिहेवियर नहीं बदला। सो क्या इसका कोई मतलब है कि आप यहां रहें? मुझे लगता है कि ये वीक आपके अंदर ये रियलाइजेशन ला रहा है, ये आपको रियलाइज हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि आपको अपने लिए जीने की जरूरत है। अब आप इस पर्सन के लिए बहुत कर चुके हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस दे चुके हैं, एंड बहुत कुछ आपने किया है और अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके किया है। कई बार आपने चीजों को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया कि ये रिलेशनशिप चलता रहे। बट नाइन ऑफ कप्स के साथ टॉरस, आपके अंदर नई विशेष है, एक नई तरीके की एनर्जी है जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। शायद आप एक अच्छी लाइफ के सपने देखना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो इस पर्सन के साथ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बहुत हिम्मत लगेगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह चुका है। इसके अलावा आप टॉरस तो हैं, अर्थ साइन, आपके लिए मूव करना और मुश्किल हो सकता है। यहां पे आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं या फिर किसी एयर साइन से, हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो यहां थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा पेन में हैं,
शायद आप ऑलरेडी मूव ऑन करने का फैसला कर चुके हैं, या ये पर्सन आपके लाइफ में से इस वक्त जा चुका है एंड आप डिसाइड कर चुके हैं कि इस बार आप इसे वापस अपने लाइफ में नहीं आने देंगे, ये आखिरी बार होगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए टॉरस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Swords, and Ace of Wands. So हमारे पास कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का। आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है उनसे उबर पाना आपके लिए इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है एंड कोई आपको बेटर फील करवाना चाहता है। शायद कोई अपने लिए मौका खोज रहा है आपके लाइफ में रास्ता बनाने का एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है बहुत कुछ। हो सकता है कि ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड हो, पास्ट में आपका फ्रेंड रह चुका है। एंड टू ऑफ कप्स के बगल में एट ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनली शायद आप अपने हॉबीज को टाइम देना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और शायद इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा यही है, क्योंकि इन सब चीजों से ध्यान हटाने का ये एक अच्छा तरीका है। शायद आप अपने ध्यान को बटाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं एंड ये आपकी मदद कर रहा है, आपको पहले से बेहतर फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के जाने से आपके लाइफ में कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यानी लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनको आप में इंटरेस्ट है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये पर्सन कोई लास्ट ऑप्शन था, नहीं, आपके लिए दूसरे लोग भी हैं जो जानते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है एंड डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं और आप अपनी सोच को एक नया, क्या बोलूं मैं, एक नया फॉर्म देने के लिए यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कुछ भी आप सोचते थे वो क्रिएटिविटी आपके अंदर से बाहर आ रही है। यहाँ नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है जब आप लोगों से दूर होते हैं या अपने काम से अलग होते हैं कि आपके ऊपर सैड फीलिंग्स हावी हो रही हैं और आपके दिमाग में फिर वापस वो नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, पर ये मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक रहने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको पूरा भरोसा है अपने डिसीजन पे। आपको भरोसा है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप में से निकलने का सोचा है तो इसकी कोई वजह है एंड आपको इस बात का रिग्रेट नहीं है, दुख है लेकिन पछतावा नहीं है। तो जो भी सिचुएशन है आप उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और ये आपके स्वॉर्ड्स जो हैं ये ओवर हो जाएंगे जल्दी ही। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है टॉरस। ओडीन, psychic insight, your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition.
ओरिन ओरिन आपसे कह रहे हैं कि आपकी मन की आंख इस वक्त खुली हुई है और सच को वैसे ही देखिए जैसे वो है। अगर आपको लगता है कि सच कड़वा है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने मन की बात को सुनिए। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ठीक है तो भी ये आपके अपने मन की बात है, आप उसे सुनिए। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ चाहे सिचुएशन जो भी हो, टॉरस आपके लिए एस ऑफ वांड्स है, आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, आप अपने डिसीजंस खुल के लीजिए। तो ये थी रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।